लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई। जोशीले कारकुनान की आमद शुरू, जलसगाह में मेरे का समा। जलसे से कबल अयाज सादिक के घर पर पीडीएम की क़यादत के एजाज में जोहराना होगा। मशावरत के बाद पीडीएम की मरकजी क़यादत एक साथ जलसगाह पहुंचेगी। मेरी मानजेब कहती है, मीनारे पाकिस्तान का जलसा फैसलाकुन होगा। कठपुतली और जाली हुकूमत आवाम पर मुसल्लत है। सिलेक्टिक टोला आवाम को नलीद नहीं दे सकता। वोट को इज्जत दो की तहरीक पार्लियामान की बालादस्ती की तहरीक है। आवाम की ताकत है कि हुकूमत जलसों को नहीं रोक सकते। लाहौर पुलिस ने पीडीएम जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। ट्रैफिक प्लान भी जारी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को घर से निकलने के बाद पंडाल तक फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। 4000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियां देंगे। पुलिस ने पीडीएम के कायदीन और अहम रहनुमाओं से मुतालिक थ्रेट अलर्ट भी जारी किए हैं। की कारकुनान से मास्क पहनकर जलसे में शिरकत की अपील। कहते हैं कि रुकावटों के बावजूद आज तारीखी जलसा होगा, हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएंगे। पीडीएम हुकूमत को एनआरओ नहीं देगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आज पीडीएम अपना लाहे अमल देगी। जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो सिलेक्टेड हुकूमत खुद भाग जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नाजायज हुकूमत से कोई मुजाकरात नहीं होंगे। हम अंपायर की उंगली पर नहीं, अल्लाह और आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। बदकिस्मती से अपोजिशन की 11 जमातों ने कोरोना वायरस को भी पार्टी बना लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं कि अपोजिशन कोरोना वायरस को तेजी से फैलाने का बायस बन रही है। कोरोना से अस्पताल भर रहे हैं, अमवात में इजाफा हो रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर, आज पीडीएम की मनफी सियासत को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। आज आवाम के मुहाफिजों और आवाम दुश्मनों में फर्क जानने का दिन है। एक तरफ हुकूमत शहरियों को कोरोना से बचाने में मसरूफ है तो दूसरी जाने पीडीएम लोगों को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। मौमने खुसूसी बराए वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि जलसे के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। झूठों की राजकुमारी का एक और झूठ बेनकाब हो गया। ग्यारह पार्टियों को सिर्फ 7000 कुर्सियां लगाने पर चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए। पीडीएम क़यादत को चैलेंज करता हूं कि इकबाल पार्क में 50000 कुर्सियां लगाएं। वजीर बराए जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीडीएम 7000 कुर्सी से कौन सा इनकलाब तब्दीली और हुकूमत बनाने चली है। कोरोना लहर और नेक्टा थ्रेट अलर्ट के बावजूद पीडीएम जलसा आवाम की जिंदगियों पर दाव पर लगाने के मुतरातिफ है। मिक्स अचार पार्टी नाटक बंद करे और अपने अपने अब्बा जी की करप्शन का हिसाब दें। जलसे की तरतीब और कुर्सियों की तादाद ने जलसे से पहले ही पीडीएम की नाकामी पर मोहर सब कर दी। मीनारे पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए पंजाब के दीगर शहरों से भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों से पीडीएम कायदीन की क़यादत में काफ़िला रवाना। पुलिस की जानिब से भी खुसूसी इंतजामात। कमर जमान कायरा कहते हैं कि आज लाहौर के जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। आज का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में मजीद शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 72 अफरा जान बहक। 3369 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46629 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 8796 और केसेस 4,38,425 हो गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर नसीब दार कोरोना से जान बहक। पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के एक के बाद एक मुश्किलात का शिकार। कप्तान बाबर आजम अंगूठे में फ्रैक्चर के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। नायब कप्तान शादाब खान भी मुकम्मल फिट नहीं है। टीम की क़यादत सवालिया निशान बन गई। कराची में लानी नंबर 4 के करीब मकान में आग लग गई। आग से झुलसकर माँ और बेटी जान बहक, बाप और बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मृत के हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सके।
कौमी शहराद पर धुंध गिरेरे, पतौकी लोधरा, फैसलाबाद, पिंडी भट्टियां, सांगला हिल, मोटरवे M3 और मोटरवे M4 पर हद निगाह कम हो गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। मरी, एबटाबाद, गलियात, स्कर्दू में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, राब्ता सड़कें बंद, लेकिन सयाह मौज मस्तियों में मसरूफ। कोयटा में -4 कल्लात, -7 रिकॉर्ड, कराची में भी सर्दी बढ़ गई। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी के खिदमात विफाक के हवाले। सेक्रेटरी एक्साइज लईक अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सेक्रेटरी ट्रेडिंग एंड रिसर्च नवेद शेख को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में तेजी, कोरोना से अमवात 16 लाख से तजावज कर गई। 7 करोड़ मरीजों में से 5 करोड़ सहतियाब। अमरीका में मजीद 2,259 हलाकतों के बाद तादाद 3 लाख से जायद हो गई। यूरोप में इटली में सबसे ज्यादा 64,036 अमवात रिपोर्ट। बरतानिया में मजीद 519, ब्राजील 670, रूस में 560 अफराद लोक मयाजल। जर्मनी में 351, तुर्की में 222 अफराद चल बसे। और भारत में सिख किसानों के मुआशी कत्लेआम के खिलाफ 17वें रोज भी एहतजाज। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और दीगर सूबों से मजीद मुजाहरीन भी पहुंच गए। सिख रहनुमाओं का दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान। 14 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज की अपील।